पूरी दुनिया में करीब 10 लाख लोगों को मौत का खौफ देने वाला कोरोना वायरस जब चीन से इटली इंग्लैंड होते हुए भारत पहुंचा तो देखते ही देखते 2500 लोगों को अपने चपेट में ले लिया। अगर पूरे विश्व की बात करें तो एक तरफ जहां 10 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के वजह से अब तक करीब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इटली जैसे देश जो स्वास्थ्य सुविधा में टॉप पर आते हैं, वहां कोरोना ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि बड़े से बड़े सुरमा भी बेबस नजर आए। लेकिन कोरोना जब भारत पहुंचा, यानी कि करीब 2 महीने पहले, और आज के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में हालात अभी उतने नहीं बिगड़े जितने बाकी देशों में बिगड़ चुके हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना पॉजिटिव और मौत का आंकड़ा काफी कम है। सरकार का दावा है कि अभी भी भारत संक्रमण के थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचा है, जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है। कोरोना के आंकड़ों के मामले में भारत अभी काफी पीछे है और सभी की दुआ है कि इन आंकड़ों में भारत पीछे ही रहे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो विश्वसनीय है कि नहीं। क्या भारत में कोरोना की जाँच उतनी हो रही है जितनी होनी चाहिए? कहा जाता है कि वही बच्चा परीक्षा में पास या फेल करता है जो परीक्षा में बैठता हो। जो बच्चा परीक्षा में बैठा ही नहीं वो पास या फेल कैसे करेगा? कुछ इसी तरह का हाल भारत में कोरोना के परीक्षण का भी है। अमेरिका और इटली जैसे देश के मुकाबले भारत में कोरोना के टेस्ट काफी कम हो रहे हैं। यानी कि अगर कोरोना के टेस्ट के सैंपल ही लैब तक कम आएंगे तो टेस्ट में पास या फेल होने वाले की संख्या कम ही होगी। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में अभी तक मात्र 45,000 लोगों का ही कोरोना टेस्ट हो पाया है। यानी कि प्रति 10 लाख लोगों में महज 32 लोग ही ऐसे हैं जिनका टेस्ट किया गया है। ये आंकड़ा दुनिया भर के देशों के मुकाबले सबसे कम है। चीन, जहां से ये फसाद शुरू हुआ था, वहां प्रति 10 लाख लोगों में से 230 लोगों की जांच हुई। वहीं अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों में से 3,078 लोगों की जांच हुई। स्पेन, जहां की राजकुमारी की भी कोरोना के वजह से मौत हो गई, वहां प्रति 10 लाख लोगों में से 7,596 लोगों की जांच हुई। जबकि साउथ कोरिया में 7,710 और इटली में 8,380 लोगों की जांच हुई। इन आंकड़ों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत कहां खड़ा है। 6 करोड़ की जनसंख्या वाली इटली ने अपने करीब 5.5 लाख नागरिकों की कोरोना जांच की। वहीं 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में केवल 45,000 लोगों की अब तक जांच हो पाई है। अगर इटली से भारत की तुलना करें तो अब तक 1,10,00,000 लोगों की जांच हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब भारत की तुलना इटली से की जा रही है तो यहाँ ये तर्क दिया जा सकता है कि भारत इटली के जैसा अभी स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है, इसलिए कोरोना की जांच में इतना बड़ा अंतर है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या भारत के पास इतने संसाधन हैं कि वो इटली या स्पेन जैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत में टेस्ट में हो रही देरी पर बीबीसी ने इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलिनरी साइंस दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एस के सरीन से बात की। इस पर डॉक्टर सरीन ने कहा कि ये वायरस अभी बहुत नया है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन में पहले आया, भारत में बाद में आया। विदेश के जिन देशों से भारत की हम तुलना करना चाह रहे हैं वो तकनीक के मामले में हमसे ज्यादा विकसित है। हर देश की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि ये देश में ज्यादा न फैले। भारत में आज की तारीख में 113 लैब्स हैं जिनमें कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। ICSR के डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर के मुताबिक भारत फिलहाल अपनी टेस्टिंग क्षमता का 30% ही टेस्ट किट का उपयोग कर रहा है और टेस्टिंग किट की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जानकारों के मुताबिक टेस्टिंग किस देश को कितनी करनी है इसका फैसला लेने के कई पैमाने हैं। एक पैमाना ये हो सकता है कि संक्रमण उस देश में किस तरह का है, दूसरा ये कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, तीसरा देश की प्राथमिकता क्या है, और चौथा देश में सुविधाएं कैसी है और निपटने की तैयारियां कितनी हैं। बीते रविवार को केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि भारत में प्रति सप्ताह 60 से 70 हजार लोगों की टेस्टिंग करने की क्षमता है। इसी कड़ी में सरकार ने 25 प्राइवेट लैब को कोरोना के मरीज को टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। इन प्राइवेट लैबों के पास देश भर में हजारों कलेक्शन सेंटर भी हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकारी और प्राइवेट लैब टेस्ट के आंकड़ों को कितना आगे लेकर जाते हैं। पंजाब केसरी के लिए उज्जवल प्रियवीर की रिपोर्ट।